दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में मॉम एंड श्रव्या। तो आप जैसे थंबनेल देखकर के समझ गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है वो आदि योगी जी का ब्लॉग है। ओके, तो आज के दिन इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आदि योगी में क्या क्या होता है, तो आप इंजॉय करिए। तो फाइनली गाइस, हमको जो है होटल मिल गया है और हम तैयार हो गए हैं और हम जाने वाले हैं कहाँ पता है आपको? हम जाने वाले हैं आदि योगी जो कि कोयम्बटूर में है। ठीक है, तो आप लगे रहिए और मैं आपको अच्छे अच्छे यहाँ के सीन दिखाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं रास्ते पे। तो हम अब जो है होटल से बाहर निकल चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ होटल के सामने का दृश्य। ठीक है, अगर आप कभी भी आदि योगी अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जो इन पार्क होटल है वहाँ आप आराम से रुक सकते हो। तो मैं यहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया है आदि योगी मंदिर जाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आदि योगी जी का जो मंदिर है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। यहाँ ईशा फाउंडेशन है जो कि एक योग परिसर है। तो ये जगह जो है कोयम्बटूर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिए आप लोकल बस ले सकते हैं या इस स्थान तक पहुँचने के लिए जो है आप कोयम्बटूर से एक प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं आदि योगी जाने के लिए। हम तो वैसे कार पे गए थे क्योंकि हमारा रोड ट्रिप था, तो आपको जिसमें सहूलियत लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है आदि योगी गेट के परिसर तक पहुंचते हैं तो आपको मूर्ति तक पहुंचने के लिए लगभग 7 मिनट की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि आप इस 7 मिनट की दूरी को जो है पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। वहां पर रिक्शा और बैलगाड़ी भी है, वो भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो चलिए आपको मैं शिव प्रतिमा के बारे में बताती हूँ। शिव प्रतिमा योग को बढ़ावा देने के विचार से बनाई गई है। स्टैचू को आदि योगी के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है पहला योगी। ये बात शायद आपको ना पता है, भगवान शिव ने ही सबसे पहले योग की शुरुआत की थी। और दिलचस्प बात तो ये है कि किसी भी ठेकेदार को निर्माण कार्यों में नहीं लगाया गया है, इसे पूरी तरह ईसा इंजीनियरिंग विभाग की देख रेख में बनाया गया है। ईसा फाउंडेशन के अनुसार 112 फीट ऊंचा भगवान शिव का ये चेहरा मुक्ति का प्रतीक है और उन 112 मार्गों को दर्शाता है जो शरीर के केंद्र बिंदु हैं, जिनका उपयोग ध्यान लगाने में किया जाता है। प्रतिमा को डिजाइन करने में करीब 2 साल 5 महीने लग गए। आपको बता दें, कोयम्बटूर में मौजूद आदि योगी प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले ही मान्यता मिल चुकी है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 112.4 फीट और 24.99 मीटर ऊंची और 147 फीट लंबी है। तो ये जो है आदि योगी जी का मंदिर है। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं आदि योगी मंदिर के पास और यहाँ पे जो है पार्किंग एरिया है। ये जो आपको दृश्य शो हो रहा है, तो आप कभी भी आएंगे तो गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ पर आप आसानी से अपने गाड़ी को पार्क करके पूरे एरिया में घूम सकते हैं। तो इस बार हमें आने में क्या हुआ, थोड़ा देर हो गया, देखो शाम हो चुकी है। तो आप जब भी आना तो यहाँ मॉर्निंग में आना, मॉर्निंग टू नाइट यहाँ पे रुकना, तो आपको सुबह से लेकर रात तक का सारा नज़ारा आराम से देखने को मिलेगा। और देखिए, वो हमारे भगवान जी आदि योगी जी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। इन्हें हम जो है यूट्यूब में या फिर लाइक किसी के फ़ोटोज़ वगैरह में देखते थे, पर आज हमें मौका मिला है साक्षात दर्शन करने का, तो मुझे तो बहुत ही इंजॉय आ रहा है। आप भी देखिए आदि योगी जी को, और यहाँ पर कि इतने सारे लोग हैं, तो आप जो है अच्छे से आना। वैसे तो हम सेफ्टी ही गए थे और बहुत ही अच्छी जगह है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी ने भी कोई भी जो है परेशानी किया, तो आप आराम से जाओ और इन्जॉय करो। ठीक है, तो चलिए हम दर्शन करते हैं भगवान जी का। तो ये तो रात हो ही चुका है, जैसे आप देख रहे हो हमें पहुँचते तक वहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको थोड़ा दूर पैदल जाना पड़ेगा,
आपके पार्किंग से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है कि हमें कितना दूर जाना है, उसी हिसाब से आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे टैक्सी या फिर बैलगाड़ी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे देखो बैलगाड़ी भी मौजूद है, तो जिसमें आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और ये सब जो है यहाँ पे का घूमने का दृश्य दिखाया गया है कि यहाँ पे आप कौन कौन से प्लेसेस जो है आप विजिट कर सकते हो। तो और यहाँ पे जो है खाने का पूरा स्टॉल लगा हुआ था, अगर आपको इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भूख लगती है तो आप यहाँ पे आराम से खा सकते हो। तो सारा चीज़ यहाँ पे मौजूद है आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है रुकने का भी बहुत अच्छा ही साधन है, और खाने का तो आप देख ही रहे हो। और यहाँ मेन्यू जो है बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस पे है, आप अफोर्ड कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी दूरों पे जो है पानी लगा हुआ है, आप वहाँ पे पानी भी पी सकते हो। तो आप यहाँ का दृश्य देखिए, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आने पर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने जो है दिन का सीन मिस कर दिया है क्योंकि नाइट में पहुंचे हैं, तो हम नाइट की यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होंगे वो देखेंगे। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, एंड तक आपको बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आदि योगी जी के पास, नमः शिवाय जी के पास। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि देखो कितनी प्यारे दिख रही है शंकर भगवान। तो हम पास से जा कर के उनको देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो इस तरह यहाँ पे जो है भीड़ लगी रहती है, मुझे भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो हम लोगों ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो आप भी अपने ट्रिप में आदि योगी का ट्रिप प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है, आराम से घूम सकते हो। और यहाँ पर देखो सब अपने अपने मतलब कई जगहों से आए हुए थे, यहाँ लैंग्वेज भी डिफरेंस थे। आप देखोगे तो यहाँ पर लोग भी अलग अलग तरह के हैं, यहाँ पर आए तो थे आदि योगी जी को देखने के लिए। तो आपको यहाँ पे कोई भी इनसिक्योर फील नहीं होगा, यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस है, गार्ड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे पूजा जो है बहुत ही अच्छे से कराया जाता है। नाइट टाइम का जो यहाँ पे सीन रहता है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे योग कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल हम भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं वो प्रोग्राम शुरू होने का। तो यहाँ पे जो है एक साथ सब बैठ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बैठ गए हैं, तो यहाँ पे अब जो है प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो फाइनली हम जो है शंकर भगवान जी का वेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे होने वाला है पूजा वगैरह, पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना भीड़ है, हम भी भीड़ में बैठ करके शंकर भगवान जी का इंतजार कर रहे हैं। छोटे से बेटा அர்த்தநாதீஸ்வரராக அமர்ந்த பின்னணியும் சப்தரிசிகள் புனிதமான யோக அறிவியலை உலகெங்கிலும் கொண்டு சென்ற நிகழ்வையும் கண்கவர் 3D ஒளிக்காட்சியாக வழங்குகிறது ஆதியோகி தெய்வ தரிசனம். Of attainment, offering his disciples access
to the deepest innards of creation. फाइनली यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो एंड हो चुका है। तो अब प्रोग्राम में हमें ये दिखाया गया कि योग कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसका पूरा दृश्य दिखाया गया है जो मैं इस ब्लॉग में नहीं डाल पाई हूँ। मैं अलग से वो पूरा दृश्य नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूंगी, आप आराम से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा व्यूज़ है। उसमें बताया गया था कि शंकर भगवान जी पहले योगी हैं और योग का महत्व क्या है, कैसे है, ये सारा डिटेल्स में बहुत अच्छा लेजर शो हो रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आरती का एरिया है और ये जो है अंदर पूजा स्थान है। यहाँ पे जो है आपको स्लीपर वगैरह बाहर उतार करके अंदर जाना है और राउंड वहाँ पे सब बने हुए हैं। भगवान जी है जो हमारे शंकर भगवान जी मिडिल एरिया पे हैं, तो आराम से आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी समुदाय के लोग आते हैं अपने अपनी आस्था को लेकर के, मतलब जो भी शिव भगवान जी को मानता है। वैसे तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कहीं भी जाइए आस्था का प्रतीक शिव भगवान जी को ज़्यादा मानते हैं। ये जो है आरती का एरिया है, आप यहाँ पे दान भी कर सकते हैं। तो फाइनली पूजा खत्म हो चुका है और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी है। और श्रव्या के पापा गए हैं वहाँ पे अपना स्लीपर पहनने। तो मुझे तो सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात शंकर भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। तो मतलब अगर आप लोग अपने ट्रिप में कहीं का प्लान बनाना चाहते हैं ना, तो कोयम्बटूर आदि योगी का प्लान जरूर रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप मेरे ब्लॉग में देखो, थोड़ा जल्दी आइएगा, बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप सुबह 6 बजे से आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन घूम सकते हैं। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में आते हो ना तो बहुत ही अच्छा है, पर मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक रुकना। ओके, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हुआ है ना ये नाइट का हुआ है, मॉर्निंग में तो ये सब नहीं होता है। तो आप मॉर्निंग में जो है इधर का एरिया देख सकते हो, बहुत अच्छी एरिया है। खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, खाने पीने का सब अवेलेबल है, रहने का सब अवेलेबल है। तो ये देखो हमारे शंकर भगवान, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा कि मैं कुछ क्या तारीफ करूँ, मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं बना है। तो आप आइए, ज़रूर आइए और घूमिए और देखिए यहाँ पे कोयम्बटूर। ओके, तो चलिए हमने जो है पूजा देख लिया, यहाँ पे का योग कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो भी देख लिया। अब थोड़ा फ़ोटोशूट की बारी आती है। तो हमने बहुत सारा यहाँ पे फ़ोटोशूट कराया क्योंकि नेक्स्ट टाइम कब जाते हैं वो नहीं पता। और अब हम जो है वापस अपने होटल की ओर जा रहे हैं। तो ये नाइट व्यू है, हम यहाँ पर स्टे नहीं किए थे, हम कोयम्बटूर में स्टे किए थे। तो हम वापस अब हमें फिर से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर जो आके बहुत ही अच्छा लगा और ये हमारा लास्ट यहाँ का दृश्य है। और ये फाउंडेशन, ये मेन गेट है यहाँ का, हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत रहती है, आप आराम से जाइएगा। और ये एरिया है, हम फाइनली कोयम्बटूर जो है पहुँच चुके हैं अपने एरिया के पास और हमें अब जाना है होटल में। तो इस टाइम जो है हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था। तो फाइनली हम जो है ये प्रोग्राम जब एंड हुआ तो फिर हम अपने बाकी फ्रेंड से मिल पाए। तो फिर अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर खाना खाने निकलेंगे। आप इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।